कई बार हम में से कई लोगों के मन में प्रश्न उठते हैं कि आखिर गुरु की या टीचर की जीवन में क्या जरूरत है। कितने ही लोग बिना गुरु के भी तो ऊपर आए हैं और ऊंची मंजिलों को प्राप्त कर चुके हैं, तो फिर गुरु की क्या जरूरत है। जीवन में गुरु का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कार्य लेना और कार्य करना ये तो शायद हर एक व्यक्ति के दाएं हाथ का खेल होगा। लेकिन हमारे निजी जीवन में या कार्य करते वक्त जब आपत्तियां आती है, खासकर ऐसी आपत्तियां जिनके बारे में हमने दूर दूर तक नहीं सोचा होता, तब ऐसी स्थितियों में धीरता और दीर्घ दृष्टिता का गुण गुरु से ही प्राप्त होता है। आइए आज हम कलिकाल कल्पत्रु दादा गुरुदेव परम पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद विजय राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब के जीवन की एक जबरदस्त घटना देखते हैं। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। ये घटना धार जिले की है। वहां के सेठ खेताजी वरदाजी उदयचंद जी ने एक भव्य जिनालय बनवाया था। प्रतिष्ठा समारोह और अंजन शिला का महोत्सव के लिए दादा गुरुदेव श्री राजेंद्र सुरेश्वर जी ने वैशाख शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 1953 का मुहूर्त निश्चित किया था। तय समय पर दादा गुरुदेव के सानिध्य में 10 दिनों की अवधि का उत्सव एवं मंगल विधान कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। सभी कार्यक्रम उत्साह एवं श्रद्धा पूर्वक चल रहे थे। स्थानीय और बाहर से आए लोग आयोजन का आनंद लाभ ले रहे थे। इसी बीच प्रतिष्ठा कराने वाले सेठ के यहाँ बड़ी डकैती हो गई। डाकू लगभग 70,000 से 80,000 का माल लेकर भाग गए थे। ये लगभग 125 वर्ष पहले की घटना है। उस समय के 70,000 या 80,000 यानी कि आज के मुकाबले बहुत बड़ी रकम हो गई। सेठ उदयचंद जी चिंता में पड़ गए। दादा गुरुदेव ने स्थिति को जानकर सेठ से कहा कि उदयचंद जी, चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप भक्तिभाव पूर्वक उत्साह सहित प्रतिष्ठापन का कार्य संपन्न करें। धर्म पथ में आए विघ्न बाधाओं से घबरा कर धर्म कार्यों में शिथिलता न आने दे, यही सच्चे श्रावक की पहचान है। अपने धर्म कर्म पर विश्वास रखो। सेठ उदयचंद जी को अपने गुरुदेव पर अटूट आस्था थी। गुरुदेव की वाणी ही उनके लिए शास्त्र वचन थी। सेठ जी ने अपने आप को संभाला और विधि विधान पूर्वक उत्साह के साथ जिनाले के प्रतिष्ठा का अद्भुत कार्य आनंद पूर्वक संपन्न किया। जिन बिंबों की जिनाले में प्रतिष्ठा के साथ साथ स्नात्र पूजा पढ़वा कर मंत्र जल पूरे गाँव के चारों ओर छिड़का गया। कार्यक्रम समाप्त होकर सभा विसर्जन हो ही रही थी कि इसी बीच धार से राजा के एक घुड़सवार ने आकर सूचना दी कि सेठ जी, आपके यहाँ डकैती करने वाले सारे डकैत पकड़े गए हैं और सारा माल भी उनके पास से बरामद कर लिया गया है, आप चलकर अपना सारा माल संभाल ले। सेठ उदयचंद जी को गुरुदेव की वाणी स्मरण हो गई। उन्होंने अपने प्रिय गुरुदेव की वंदना की और उनकी आज्ञा प्राप्त कर वहां जाकर सारा धन पुनः प्राप्त किया। ऐसे तो कितने ही योग प्रभाव दादा गुरुदेव के वचनों में थे कि जो हमें बताते हैं कि जब संयम शुद्धि बढ़ती है तो वचन सिद्धता भी सहज हो जाती है। उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है गुरु का हमारे जीवन में कितना अहमियत का रोल होता है ये समझना। और यदि ठीक से गुरु वचन पाले जाए तो क्या चमत्कार घट सकते हैं, उसका तो इतिहास गवाह है। ये सब कुछ ये प्रसंग हमें बताता है और प्रूव करता है। एक चीज ये भी समझने जैसी है कि गुरु समर्पण इस दुनिया का सबसे बड़ा अर्पण है और सफलता का सबसे बड़ा दर्पण है। दादा गुरुदेव जैसे महान आचार्य भगवंत को हम अंतरहृदय से वंदन करते हैं। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तुम इच्छा में दुकड़म। जय जिन शासन, जय महावीर।